गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रीनल कैलकुलाई, या फिर इसको बोलते हैं रीनल स्टोन। अब देखिएगा, रीनल मीन होता है किडनी और कैलकुलाई मतलब होता है स्टोन। तो यहाँ पर क्या होगा, किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होगा, और ये जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली देखा जाता है स्मॉल एंड हार्ड स्टोन होते हैं किडनी के अंदर। ये स्मॉल एंड हार्ड स्टोन बनते हैं किडनी के अंदर, और जो किडनी की स्ट्रक्चर है उसके अंदर मोस्टली फाउंड कौन सी जगह होगा, तो रीनल पेल्विस एंड कैलेक्स, एक जगह होती है किडनी के अंदर रीनल पेल्विस एंड कैलेक्स, तो उसके अंदर ये जाकर दिखेगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, रीनल कैलकुलाई आर हार्ड जर्नली स्मॉल स्टोन। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और जर्नली स्मॉल स्टोन होते हैं, दैट फॉर्म जो कि बनते हैं समवेयर इन द रीनल स्ट्रक्चर के अंदर, और मोस्टली इट इज़ फाउंड इन द रीनल पेल्विस एंड कैलिक्स, और ये मोस्टली फाउंड होते हैं रीनल पेल्विस में एंड कैलिक्स के अंदर। अब देखिएगा, रीनल कैलकुलाई की जो इटियोलॉजी है वो फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली में रहा हो तो उस पर्सन के अंदर मोर चांसेज हो जाते हैं रीनल कैलकुलाई होने के। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, किसी भी पर्सन को क्रॉनिक डिहाइड्रेशन हो रखा है तो उसके अंदर रीनल कैलकुलाई होने के चांसेज हो जाते हैं। इन्फेक्शन के कारण रीनल कैलकुलाई हो सकता है, या डाइटरी फैक्टर, अगर मिसमैनेजमेंट है डाइटरी फैक्टर का तो उसकी वजह से भी रीनल कैलकुलाई हो सकता है। इमोबिलिटी, अगर कोई पर्सन का मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी इमोबाइल है पेशेंट, तो उसके अंदर भी रीनल कैलकुलाई हो सकता है। अब देखिएगा इसके रिस्क फैक्टर, अब रिस्क फैक्टर में सबसे फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, थर्ड है कैंसर्स, फोर्थ है ग्रेनुलोमेटस डिजीज, एंड फिफ्थ है एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी, एंड सिक्स है एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम। तो इन ये सब रिस्क फैक्टर हैं, इनकी वजह से भी रीनल कैलकुलाई हो सकता है। अब देखिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में जो लिखा हुआ है जो फर्स्ट है वो है नॉर्मली द डिजॉल्व सबस्टांस इन द यूरिन आर डाइल्यूटेड एंड एस्क्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी। अपन जब नॉर्मली देखते हैं तो ज़्यादातर जो सबस्टांस क्या होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं यूरिन के अंदर एंड एस्क्रिएटेड हो जाते हैं बॉडी से। बट कैलकुलाई आर फाउंड व्हेन यूरिनरी साल्ट, जो कैलकुलाई फाउंड होते हैं वो जब यूरिनरी साल्ट आर कंसनट्रेटेड इनफ, जब यूरिनरी साल्ट की कंसनट्रेटेड इनफ होती है तो टू सेटल डाउन, तो वो क्या हो जाते हैं सेटल डाउन, एंड व्हेन देयर इज़ न्यूक्लियस अराउंड, और उनके पास क्या हो जाएगा न्यूक्लियस आकर जमा हो जाते हैं, विच द साल्ट कलेक्ट एंड डिपॉजिट, विच द जहाँ की साल्ट क्या होगा कलेक्ट हो जाएगा एंड डिपॉजिट हो जाएगा। द न्यूक्लियस मे बी पस डेड टिश्यूज़, अब ये न्यूक्लियस कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ पर साल्ट आकर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस हो सकते हैं पस डेड टिश्यू हो सकते हैं, या कैथेटर, कैथेटर के पास भी आकर साल्ट जमा हो जाता है यूरिनरी जो साल्ट होता है, एंड ब्लड इट्सेल्फ, और ये ब्लड उस पर्सन का खुद का ब्लड भी हो सकता है। अब ये साल्ट कौन कौन से होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड जमा हो रहे हैं, और न्यूक्लियस क्या था पस डेड टिश्यू कैथेटर ब्लड, अब इनके पास आकर यूरिनरी साल्ट जमा हो रहा था, अब ये यूरिनरी साल्ट ही स्टोन को बनाएगा। अब ये यूरिनरी साल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो फॉलोइंग आर कॉमन साल्ट, यूरिनरी साल्ट एज कैल्शियम ऑक्सीलेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो ये सब क्या है यूरिनरी साल्ट हैं, और ये यूरिनरी साल्ट न्यूक्लियस के अराउंड डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये डिपॉजिट होकर वहीं जमने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, अमोनिया और यूरिक एसिड, तो ये सब क्या कॉज करेंगे, ये सब कॉज करेंगे रीनल कैलकुलाई, क्योंकि रीनल कैलकुलाई जो हो रहा है कैलकुलस का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ये यूरिनरी साल्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि ये यूरिनरी साल्ट ही जाकर डिपॉजिट होता है। अब देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर किसी पेशेंट को रीनल कैलकुलाई हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा साइन एंड सिम्टम डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शन और एडिमा। ये जो साइन एंड सिम्टम है वो डिपेंड करेंगे कि कितने लेवल तक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यूरिन का जो फ्लो है उसके अंदर कितने परसेंट तक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है या फिर एडिमा हो रखा है।
अब देखिएगा सेकंड है रीनल कॉलिक। अब रीनल कॉलिक पेन होता है पेशेंट के अंदर, तो ये कॉलिक पेन क्या है, तो देखिएगा ट्रांसफ़र ऑफ फ्लैंक पेन। यहाँ पर क्या होगा, फ्लैंक पेन उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें फ्लैंक पेन होगा पेशेंट को। तो ट्रांसफ़र ऑफ फ्लैंक पेन इंटू टेस्टिस, अगर वो मेल है तो वो पेन कहाँ तक पहुँचेगा, टेस्टिस तक, एंड फीमेल है तो वेजाइना तक। फिर इसके बाद पेन कहाँ जाएगा, एंड देन रीच लेग, लेग की तरफ पेन बढ़ेगा। ऑफ साइड अफेक्टेड किडनी, जिस साइड की किडनी अफेक्टेड है उसके लेग की तरफ पेन बढ़ेगा। आफ्टर दैट, और फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट अनोदर साइड ऑफ किडनी, फिर ये जो दूसरी साइड की किडनी है उसकी तरफ पेन बढ़ेगा। एंड फ्रॉम हर अफेक्टेड साइड ऑफ चेस्ट पेन, और फिर कहाँ पर पहुँच जाएगा, चेस्ट की तरफ, और चेस्ट में क्या कर देगा, पेन कॉज कर देगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, ऑडिमा देखने को मिलेगा पेशेंट को, पेशेंट को फीवर होगा, हिमेचूरिया होगा, डिसयूरिया होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, पेशेंट को ऐसा लगेगा बार बार यूरिन पास आउट करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, एन्यूरेसिस होगा, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन हो सकता है, एनोरॉक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा पेशेंट को। अब इसके लिए अपन क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, तो देखिएगा जो फर्स्ट डायग्नोसिस है अपना वो है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, रेडियोग्राफी करवाएंगे पेशेंट की, एक्सरे किया जाएगा, इंट्रावीनस पाइलोग्राम किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, कैलकुलस एनालिसिस किया जाएगा। अब देखिएगा इसका मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में जो फर्स्ट है अपने वो है मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट पे अपन क्या करेंगे, आईवी फ्लूड पेशेंट को देंगे जिससे कि डिहाइड्रेट नहीं हो बॉडी और चांसेस ज़्यादा पेन होने के ना हो, तो आईवी फ्लूड देंगे जिसकी वजह से क्या है, फ्लो तेज हो जाएगा यूरिन का, और यूरिन के फ्लो के साथ भी स्टोन बाहर आ सकता है। एनाल्जेसिक टू रिलीफ पेन, एनाल्जेसिक देंगे अपन पेशेंट को क्योंकि पेन हो रखा है, डायूरेटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, लो कैल्शियम डाइट देंगे क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी वजह से भी स्टोन बन रहा था, तो अपन लो कैल्शियम डाइट देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे और लो प्यूरिन डाइट देंगे। अब नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में जो फर्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जरी है, वो करेंगे अपन लिथोलेप्सी। लिथोलेप्सी क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंटल, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उससे अपन क्या करेंगे, जो स्टोन होगा उसको क्रश कर देंगे, इंस्ट्रूमेंटल क्रशिंग ऑफ स्टोन एंड रिमूव, और क्रश करके अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और ये कब यूज़ किया जाता है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लेडर, अगर स्टोन यूरिनरी ब्लेडर के अंदर प्रेजेंट है तब अपन लिथोलेप्सी करते हैं। अब देखिएगा सेकंड है ESWL। ESWL का मीन है एक्स्ट्रा कार्पोलील शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, यहाँ पर लिखा हुआ है W का मीन है वेव, यहाँ पर रेज दी जाएंगी और रेज से ही क्या करा जाएगा, क्रश किया जाएगा, और यहाँ पर कोई भी अपन सर्जिकल कट नहीं लगाते हैं, तो इट इज़ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। नेक्स्ट है यूरेट्रोलिथोटोमी। यूरेट्रोलिथोटोमी में क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव ऑफ स्टोन, यहाँ पर सर्जिकली रिमूव किया जाएगा स्टोन को। नेक्स्ट जो सर्जरी है उसका नेम है पाइलोलिथोटोमी, एंड फिफ्थ है वो है नेफ्रोलिथोटोमी, ये भी की जाती है रीनल कैलकुलाई के अंदर। अब नेक्स्ट है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो देखिएगा फर्स्ट है आफ्टर सर्जरी, सर्जरी हो गई है पेशेंट की तब नर्स को क्या करना है, आफ्टर सर्जरी पेशेंट शुड बी गिवन प्रॉपर पोजीशन विच इज़ कंफर्टेबल टू हिम, उसको प्रॉपर पोजीशन देनी है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। पेशेंट शुड बी एनकरेज टू मोर फ्लूड इनटेक 3 to 4 liters पर डे, आपको पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड इनटेक करे, कम से कम 3 to 4 liters पर डे वो इनटेक करे फ्लूड। नर्स शुड चेक द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल फेलियर, नर्स को मॉनिटर करना है, चेक करना है कि कोई ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कोई साइन सिम्टम ऐसा तो नहीं आ रहा जिससे पता चल रहा हो कि रीनल फेलियर हो चुका है। नर्स शुड ऑब्जर्व कंटिन्यूली चेस्ट कॉम्प्लिकेशन, कोई भी चेस्ट कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए वो कंटिन्यू क्या करती है, ऑब्जर्व करती है पेशेंट को। इफ़ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक आर प्रिस्क्राइब्ड इट शुड बी गिवन, अगर एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक प्रिस्क्राइब्ड की गई है डॉक्टर के द्वारा तो वो अपन को देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट है नर्स शुड एक्सप्लेन द हाइजेनिक प्रैक्टिस टू द पेशेंट,
पेशेंट को वो पूरा पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करेगी, उसको हाइजीनिक प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट है, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड हाई कैल्शियम एंड ऑक्सीलेट डाइट। पेशेंट को आपको एडवाइस करनी है कि वो हाई कैल्शियम डाइट और ऑक्सीलेट डाइट को अवॉइड करे। नर्स शुड मेंटेन द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट फॉर फ्लूड बैलेंस। नर्स को क्या करना है, फ्लूड बैलेंस के लिए इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू इनटेक रेस्ट 2 to 3 days आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी से 2 to 3 days पेशेंट को क्या करवाना है, रेस्ट करवाना है। वाइटल साइन ऑफ पेशेंट शुड बी चेक्ड रेगुलरली। जो वाइटल साइन है वो आपको बराबर चेक करने हैं पेशेंट के। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन शुड बी चेक्ड एंड शुड बी इंफॉर्म टू द डॉक्टर। अगर यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है तो आपको चेक करना है और साथ के साथ डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नर्स शुड हेल्प द पेशेंट टू डेवलप एंड मेंटेन इफेक्टिव इंडिविजुअल हैबिट दैट प्रिवेंट डिजीज रिअकरेंस। आपको नर्स क्या करेगी, नर्स शुड हेल्प करेगी पेशेंट की कि वो डेवलप करे इफेक्टिव इंडिविजुअल हैबिट्स मेंटेन करे। उसकी वजह से ये क्या होगा, जो ये जो टेक्निक है ये प्रिवेंट करेगी डिजीज़ के रीअक्रेंस, वापस होने के चांसेस को कम करेगी। नेक्स्ट है, मॉनिटर यूरिन पीएच एट रेगुलर। रेगुलर आपको पेशेंट की यूरिन पीएच चेक करनी है। पेशेंट शुड एंगेज इन एक्टिव एक्सरसाइज एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन एंड इमोबिलिटी। पेशेंट अगर इमोबाइल है तो उसको एनकरेज करना है कि वो मोबिलिटी को बढ़ाए, कॉन्स्टिपेशन को कम करे, अवॉइड करे, एंड जो भी है एक्टिव एक्सरसाइज में उसको आपको पार्टिसिपेट करवाना है, उसमें आपको एंगेज रखना है पेशेंट को। नेक्स्ट है, पेशेंट शुड बी एनकरेज फॉर द फॉलोअप विजिट। पेशेंट को एनकरेज करना है फॉलोअप विजिट के लिए कि वो जब डिस्चार्ज हो जाए हॉस्पिटल से उसके बाद भी डॉक्टर को दिखाने आए। तो ये तो था अपने आज का टॉपिक रीनल कैलकुलाई। कई बार पूछा गया है तो अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।